Yo, what's up guys, Jordan Gamer here, मेरा नाम है Micheal, welcome back to another new episode of GTA 5, तो guys, आप लोगों ने पिछले episode में देख लिया होगा, military colonel Amanda new husband, मतलब guys, अब इसमें क्या हुआ था, छा के आप लोग वीडियो check out कर लो, काफी ज़्यादा interesting video है, तो video को अभी तक आपने like नहीं किया, तो like कर देना, और channel को अभी तक आपसे subscribe नहीं किया, तो please subscribe करके bell notification all पे tick कर दो, आज guys, हम लोग कुछ यहाँ पे नया करने वाले हैं, मतलब आज मैं आप लोगों को Micheal के तीन नए luxury mansion जो हैं, उनका दोस्तों जो है आप लोगों को होम टूर देने वाला हूं, ठीक है, तो आज वीडियो इसी में होने वाला है गाइस, तो सबसे पहले तो मैं आप लोग बता दूं, मेरे चार घर हैं एक तरह से लॉस सैंटोस में फिलहाल इसको मिला के, लेकिन गाइस जो तीन न्यू लग्जरी मेंशन है ना वो काफी ज्यादा लग्जरी है गाइस, और उसको दिखाने के लिए मैं आज आपको लिए वीडियो बना रहा हूं, और साथ साथ में हम लोगों ने जितने भी अपने पेट्स थे वो भी दोस्तों आप लोगों को आज दिखाने वाला हूं, ठीक है। वैसे मुझे कमेंट कर देना कि हम लोग अपना एक प्राइवेट जू खोल लें कि नहीं खोल लें, ठीक है, एक बार मेरे को जरूर से कमेंट करके बता देना। तो अभी दोस्तों तो मैं आप लोगों को अपने घर का टूर काफ़ी बाद मतलब बहुत बार दे चुका हूं, जब भी हम लोग अपनी गेम की स्टार्टिंग करते हैं तो गाइस घर में ही रहते हैं, और जैसे कि आप लोगों को पता होगा अभी मेरे को ये सब आप लोगों को कुछ भी दिखाने की जरूरत नहीं है, तो चौथा घर हमारा यही है गाइस, बाकी का जो दोस्तों लास्ट घर है ना मतलब जो तीसरा घर हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं वो हमारा माउंटेन में है, और वो काफ़ी ज़्यादा रेयर है और काफ़ी ज़्यादा मतलब आप लोगों को पता नहीं लगेगा कि यहां पर कोई घर भी है, लेकिन उतनी सी छोटी सी जगह में एक बहुत ही खतरनाक मेंशन बना रखा है हम लोगों ने माउंटेन केव पर, ठीक है, तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना, लास्ट वाला घर देख के जरूर जाना, और बाकी दोस्तों मैं आप लोगों को दो नए लग्जरी मेंशन साथ साथ में वहां पर जो भी हम लोगों ने पेट्स रखे हैं वो दिखाने वाला हूं, ठीक है, और जल्दी से आप लोग जल्दी से आप वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली अभी दोस्तों Micheal बाहर निकल चुका है, और आप लोगों को पता होगा पिछले एपिसोड में हम लोगों ने गाइस जो है Amanda को सेव किया था मिलिट्री कर्नल से, मिलिट्री कर्नल दोस्तों जो है एक तरह से भगा के ले गया था Amanda को, और बाकी दोस्तों हम लोगों ने ये वाली जो कार है पूरी की पूरी दोस्तों जो है मॉडिफाइड करा दी है, ठीक है, अब आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो कितनी ज़्यादा लग्जरी कार है गाइस ये वाली, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब मॉडिफाइड मैंने इसमें करवा दिया है, इसमें मैंने तीन कलर दिए हैं वाइट गोल्ड एंड रेड, जो कि इसको और ज़्यादा खतरनाक लुक दे रहा है अभी, ठीक है, जैसे कि आप लोग इसकी शाइन वगैरह देख पा रहे हो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चलने वाले हैं पहले घर में, जो कि ये दोस्तों आप लोगों को पता होगा मलिबू मेंशन, दोस्तों लॉस सैंटोस में सबसे बड़ा घर मलिबू मेंशन है मेरे ख्याल से ऐसा है अभी, ठीक है, उससे बड़ा और उससे लग्जरी मेंशन कोई भी नहीं है, तो वो है दोस्तों Micheal का। आज सबसे पहले हम लोग चलने वाले हैं मलिबू मेंशन पे, और बाकी दोस्तों फिर आप लोगों को आगे दो घर जो दिखने वाले हैं, मतलब वो घर नहीं आप लोग बोल सकते हो एक बहुत बड़ा बंगला या फिर महल, ठीक है, वो वैसे आप लोगों को लग्जरी लाइफ दिखाने वाला हूँ आज मैं Micheal की, ठीक है, और साथ में उसके पास जो भी पेट हैं वो भी दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी गाइज हम लोगों ने पिछले एपिसोड में मिलिट्री कर्नल को जो है मार दिया है स्नाइपर राइफल से हेडशॉट देके, तो अभी दोस्तों काफी ज्यादा गर्मा गर्मी चल रही है एक तरह से मिलिट्री बेस पर, और हम लोगों ने दोस्तों माफियास को एक तरह जितने भी दोनों माफिया थे आप लोगों को पता है बॉडी बिल्डर माफिया से हम लोगों का एक बहुत खतरनाक मैच भी हुआ था जिसमें गाइज Micheal जीत चुका है बेसबॉल बैट फाइट में, ठीक है, मतलब दोनों को बेसबॉल बैट दिया गया था एक एक, और दोनों ने दोस्तों काफ़ी खतरनाक दोस्तों एक तरह से मतलब लड़े दोनों, और बहुत ही अच्छा उसमें से हुआ था, वो वीडियो आप लोगों ने जाके नहीं देखा तो जाके चेकआउट कर लो, ठीक है। तो अभी जल्दी से मैं आप लोगों को मिलता हूँ दोस्तों मलिबू मेंशन पे, मलिबू मेंशन हमारे यहीं पर है दोस्तों पास में, मतलब घर से ज़्यादा दूर भी नहीं है, तो ये हमारा सबसे पहले लग्जरी नंबर वन मेंशन में आता है, मतलब इससे ज़्यादा लग्जरी मेंशन मैंने आज तक सच में नहीं देखा है, ठीक है। देखो मैं आप लोगों को ड्रोन शॉट से भी दिखाऊंगा, बाकी इसकी एंट्री देख सकते हो आप कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त है, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो मतलब इतना बड़ा रैंप दिया है अंदर आने के लिए सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए, ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, और यहाँ पर दोस्तों हमारी जो कार है वो अंदर की तरफ में जा रही है, और इतना बड़ा घर है भाई इसमें, मतलब आप लोग अगर इंडिया में ऐसा घर हो तो भाई मतलब 5, 6, 7, 8, 10 फैमिली आराम से रह सकती है इसमें, आराम से, ठीक है, मतलब उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो जल्दी से मैं आप लोगों को इसका एक ड्रोन शॉट दे देता हूं, ठीक है, तो ये देखिए गाइज यहां पर है इसका ड्रोन शॉट, मैं आप लोगों को दिखाता हूं सबसे पहले ऊपर से, और काफ़ी दूर मेरे को अपना ड्रोन जो है उठाना पड़ रहा है, उड़ाना पड़ रहा है ताकि ये पूरा कवर हो जाए। सामने दोस्तों आप लोग देख पा रहे हो कोकोनट ट्रीज लगे हैं जिसको और ज़्यादा एनहांस कर रहे हैं, और हमारे पास एक प्राइवेट बास्केटबॉल कोर्ट भी है। पीछे साइड आप लोग देख पा रहे हो लग्जरी स्विमिंग पूल है, और ऊपर की साइड में दोस्तों हम लोग जो है हेलीकॉप्टर अपना कोई भी दोस्तों एक एयरपोर्ट तरह से लैंड कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को स्विमिंग पूल देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है, और यहाँ पर गाइस आप लोगों को मतलब A to Z सारी चीज़ें मिल जाती हैं, और यहाँ पर गैराज भी आप लोगों को देखने को मिल जाता है, ठीक है।
तो अभी दोस्तों हम लोग इसके अंदर भी जाएंगे, रुको ज़रा सब्र करो, ठीक है। तो जल्दी से दोस्तों हम लोग यहाँ पे निकलते हैं। आप लोग देख पा रहे हो ये मैंने गैराज को ओपन कर दिया है। अब यहाँ पे आप लोग कितनी कारें खड़ी कर सकते हो, सबसे पहले एक हमारे पास ओपन गैराज था, बाकी तीन जो गैराज हैं आप लोग देख पा रहे हो, मतलब चार चार गैराज दोस्तों इसमें आप लोगों को मिलते हैं। कितनी कार भी आप लोग जो है अपनी लग्जरी गोल्डन कार जितनी भी मेरे पास है सारी मैं इसमें पार्क कर सकता हूँ। तो इसमें आप लोग मेरे को एक बात और बता देना कि आप लोगों को प्राइवेट जू चाहिए कि नहीं चाहिए, और सेकेंड आपको मेरा कार कलेक्शन देखना है कि नहीं देखना है माइकल का, तो जरूर से ये मेरे को पूरा नीचे जो है कमेंट करके बता देना, बाकी मैं आप लोगों के लिए दिखा दूंगा। तो यहां पर गाइस आप लोग देख पा रहे हो हमारे पास ऑस्ट्रेलियन शेफर्ड्स भी हैं, और साथ में दोस्तों यहां पर लैब्राडोर भी है, और ये रहे गाइस इना मीना डी का हमारे रैबिट्स, और पग ट्रेसी के काफी ज्यादा प्यारे हैं। और ये भाई इतने ज्यादा डेंजर साइड में मत खड़े होगा करो, नीचे गिर जाओगे तो मगरमच्छ जो है खा लेगा तुम लोगों को। तो यहां पर गाइस आप लोग देख पा रहे हो पूरे के पूरे पेट्स हम लोगों ने आधे से ज्यादा यहां पर रखे हैं, बाकी कुछ अंदर रखे हुए हैं मतलब दूसरे मेंशन में, ठीक है। तो अभी दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो ये रहा एक लग्जरी स्विमिंग पूल। अब आप लोग देख पा रहे हो यहाँ से दोस्तों कितना बड़ा स्विमिंग पूल है, और ये काफ़ी ज़्यादा गहरा भी है जिसके कारण हम लोग जो है पूरी अपनी बॉडी जो है अंदर सिंक कर सकते हैं इसमें, ठीक है। और मैं आप लोगों को इसको आगे से दिखाता हूँ, ठीक है। मतलब आप मलिबू मेंशन ऐसा है गाइस, मतलब आधी वीडियो इसी में कवर हो जाएगी, इतना बड़ा है। अगर मैं पूरा घुमाऊँ तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं आप लोगों को फास्ट फास्ट दिखा रहा हूँ। और बाकी आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो अभी गाइस कितना बड़ा मेंशन है ये, ठीक है। तो गाइज़ यहाँ पर हमें अंदर एक प्राइवेट स्विमिंग पूल और मिलता है, अंदर एक बाथरूम है, इतना बड़ा बाथरूम है आप लोग देख पा रहे हो, ओ भयंकर। मतलब ये होती है भाई लग्जरी लाइफ। अगर ये घर किसी आप में से सोचो यार आप लोगों को ये घर मिल जाए तो आप लोग इसको क्या करोगे, ये बात भी मेरे को ज़रूर से कमेंट में बताना, ठीक है। आप लोगों को इतना बड़ा घर मिल जाए तो आप लोग उसका क्या यूज़ करोगे, कैसे यूज़ करोगे, ज़रूर से मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर इनका जो है बार वगैरह के लिए बना हुआ है, प्राइवेट बार भी है, और यहाँ पर दोस्तों ये लोग टीवी वगैरह देख सकते हैं। अभी दोस्तों मैं आप लोगों को थोड़ा सा ऊपर लेके चलता हूँ, तो यहाँ से गाइज ऊपर जाने का भी रास्ता है, और जो ऊपर जाने का रास्ता है उसमें दोस्तों सीढ़ियों में भी लाइट लगी हुई है, कितनी ज़्यादा बढ़िया लग रही है गाइज, ठीक है। मतलब मैं ऐसा लग रहा है स्वर्ग में आ चुका हूँ। और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो गाइज इतना बढ़िया हमारे पास एक म्यूज़िक स्टूडियो भी है, हम अपना खुद का म्यूज़िक प्रोड्यूस भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो भी गाइस हमें हमारे पास अंदर एक जिम भी है प्राइवेट, मतलब सब कुछ प्राइवेट वगैरह हमारे पास है, ठीक है। कुछ यहाँ पे रूम्स हैं, और ये रहा गाइस माइकल का रूम, अगर हम लोग अगर यहाँ पे कभी रहें तो माइकल के लिए ये पार्ट ड्रेस चेंज करने के लिए हो जाएगा। और यहाँ पर गाइस आप लोग देख पा रहे हो ये रहा गाइस हमारा रूम, और यहाँ पर भी सबके पास है, सबके पास एक पर्सनल लैट बाथ भी यहाँ पर जो है बनाया गया हुआ है, ठीक है। तो इससे बड़ा घर क्या बोलते हो आप लोग, कैसा लग रहा है आप लोगों को घर, ठीक है। तो मेरे ख्याल से तो भाई आप लोगों की आंखें फटी की फटी रह रही होंगी, जैसे कि मेरे अभी दोस्तों रिएक्शन ऐसा ही है। कभी भी दोस्तों हम लोग ना फेस कैम जब करेंगे तो आप मेरे रिएक्शन भी देख पाओगे जब मैं वीडियो करूँगा, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से यार सब्सक्राइब कर दो, माइल स्टोन कंप्लीट कर दो, तो आप लोग को जल्दी से फेस रिवील भी मैं कर दूंगा अपना। और साथ में दोस्तों एक बहुत ही बढ़िया Q&A भी वीडियो आएगी, जिसमें मैं सारे डाउट्स आपके जो है मेरे रिलेटेड वो भी मैं क्लियर कर दूंगा, काफ़ी ज़्यादा मैं देखते आ रहा हूँ। और सबसे बढ़िया जो बात है इसकी घर की, यहाँ पे बीच व्यू आप लोगों को देखने को मिल जाता है, और साथ में दोस्तों यहाँ पर जो है बहुत ही बड़ा समुद्र आप लोगों को देखने को मिल जाता है, और ये जो नज़ारा है ना सुबह सुबह देखने में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है, ठीक है। तो गाइज ये था फर्स्ट का हमारा मतलब होम टूर पहले लग्जरी मैंशन का। चलते हैं दोस्तों दूसरे मैंशन पर, जो कि दोस्तों यहाँ से काफ़ी ज़्यादा पास है, मतलब 1 माइल्स मेरे ख्याल से होगा यहाँ से, मतलब 1600 मीटर ही होगा जैसे यहाँ पे दोस्तों, और वो हम लोग दोस्तों बहुत ही जल्दी वहाँ पे पहुँच जाएंगे अपनी बहुत ही बढ़िया कार से, ठीक है। तो ये आप लोगों को पहला मेंशन कैसा लगा, तीनों में मेंशन दिखाऊंगा आप लोगों, तो आप लोग ये भी कमेंट करके बता देना मेरे को कि तीनों में से कौन सा बढ़िया लगा। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होगी, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों दूसरे मेंशन पे, और वो भी दोस्तों हिल साइड पे है। और तीसरा मेंशन ऐसा है कि आप लोग देख के भाई हैरान हो जाओगे, बोल ही नहीं सकते गाइस कि यहाँ पर कोई एक मेंशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। वो इतने ज़्यादा अच्छी तरीके से बनाया गया है उसको एक माउंटेन में, जिसमें दोस्तों आप लोग देखते ही उसको जो हैरान हो जाओगे, ठीक है। तो बाकी दोस्तों जस्ट आप लोग देख पा रहे हो माइकल के घर से ही कितने पास पास मेंशन यहाँ पे बने हुए हैं। हालांकि मैंने आप लोगों को बताया था ये जो दूसरा मेंशन है वो मैं ट्रेवर को देने वाला था, लेकिन है तो भाई अपना मेंशन अभी ये, ठीक है। तो यहाँ पर इसका भी होम टूर मैं आप लोगों को दे देता हूँ एक तरह से, ठीक है। तो सामने की तरफ में है दोस्तों वो वाला घर, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है।
तो अभी जल्दी से दोस्तों वहाँ पर चलते हैं और उस वाले मेंशन को आप लोग को पूरा का पूरा अच्छी तरीके से ड्रोन शॉट साथ में दोस्तों अंदर के जितने भी रूम्स वगैरह सीन वगैरह जो हैं सब कुछ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही आप तैसे कार आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे पैक वगैरह करके मैं अपनी कार को पार्क कर देता हूँ अपने गैराज में और गैराज हम लोगों को देख के ऑटोमेटिकली जो है ओपन होने लग जाता है। ये बात तो भाई काफ़ी ज़्यादा बढ़िया ही लगती है, ऐसा लगता है भाई घर भी हम लोगों को इज्जत दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो, ऐसे आप लोग यहाँ पर चेकआउट कर पा रहे हो कि यहाँ से मैं आप लोगों को एक ड्रोन शॉट दे देता हूँ घर। ये भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है और ये प्रॉपर माउंटेन में ही बना है गाइस, ठीक है। मतलब इससे ज़्यादा बढ़िया घर आप लोगों को देखने को नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आप अपना ड्रोन ऑन कर दिया है, ऊपर से मैं जाता हूँ तो गाइस ये घर भी कम नहीं है। मतलब मलिबू मेंशन के बाद मेरे को सेकंड नंबर पे मेरा ये वाला घर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है। इसमें भी आप लोगों को प्राइवेट स्विमिंग पूल और साथ में सबसे बड़ी खास बात गाइस इसकी ये है, ये एक प्रॉपर माउंटेन में बना हुआ है और बहुत ही ज़्यादा ऊपर बना हुआ है। इसी घर को दोस्तों बॉडी बिल्डर माफिया और जो दाना वाला माफिया था उन्होंने तोड़ के चकनाचूर कर दिया था, लेकिन बिल्डर्स ने काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके इसको अगेन खड़ा कर दिया है। तो गाइज इसका तो होम टूर देना बनता ही है, ठीक है। तो यहाँ पर भी दोस्तों आपको प्राइवेट बास्केटबॉल का मिल जाता है और प्राइवेट हेलीपैड मिल जाता है और साथ में यहाँ पर ये खड़ा कैसे आप लोग देख पा रहे हो, इतने ऊँचे ऊँचे कोकोनट ट्रीज लगे हैं और किसने मतलब कितने तगड़ी तरीके से इसका जो है नीचे का बेस आप लोग देख पा रहे हो मस्त बना हुआ है, खतरनाक तो ही है और साथ ही में इसका जो व्यू है इसे और ज़्यादा बढ़िया बना देता है, ठीक है। तो अभी जल्दी से गाइज इसके अंदर चलते हैं और यहाँ पर दोस्तों हमारे कुछ नए पिटबुल्स खड़े हैं, दो की दोस्तों बच्चे थे अब जाके वे बड़े हो चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा बड़े हो चुके हैं, ठीक है। तो आप लोग देख पा रहे हो हमारे पास पिटबुल आर्मी बनती जा रही है धीरे धीरे, ठीक है। अभी दोस्तों फ्रैंकलिन का भी जो है एक तरह से बच्चा जो है हो चुका है, फ्रैंकलिन का नहीं सॉरी ट्रेसी का हो चुका है, पर एक तरह से वो फ्रैंकलिन का भी हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो गाइज मैं क्या बोल रहा था मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। मतलब फ्रैंकलिन ऑफ द ट्रेसी का जो है फाइनल डिलीवरी हो चुकी है, उसका बेबी हो चुका है, बहुत जल्द आप लोग को उसके एपिसोड में दिखने वाला है दोस्तों बेबी, एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बेबी आप लोगों को दिखने वाला है मेरे चैनल पे। तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड रहिए और प्लीज़ उसको देखना मत भूलना, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा प्यारा बच्चा है दोस्तों, तो वो मैं आप लोगों को ज़रूर से दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर एक किचन देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा ओपन किचन है और साथ में यहाँ पर एक डाइनिंग टेबल भी रखी हुई है, ठीक है। अंदर की तरफ में चलते हैं तो यहाँ पर दोस्तों एक डाइनिंग हॉल है और यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को देखने को मिल जाता है एक बहुत ही सही बढ़िया लिविंग रूम, मतलब एक हॉल टाइप है। और यहाँ पर दोस्तों सबसे बढ़िया बात हम एनर्जी ड्रिंक ले सकते हैं स्प्रंग का, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो सिर्फ और सिर्फ $1 घर में भी भाई हम लोगों को पेड करना पड़ता है तभी दोस्तों एक स्प्रंग मिलता है। हालांकि दोस्तों आप लोग देख पा रहे हो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया एनर्जी ड्रिंक है, ये माइकल को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, ठीक है। अब बात ऐसी है गाइज़ अब चलते हैं गाइज़ यहाँ से ऊपर की तरफ में, ठीक है। तो अभी दोस्तों हम लोग जा रहे हैं ऊपर की तरफ में, नीचे का मैंने आप लोगों को दिखा दिया। ये मलिबू मेंशन जितना तो बड़ा नहीं है लेकिन गाइस इसमें भी लग्जरीनेस जो है ना कूट कूट के भरी हुई है। यहाँ पर एक छोटा सा बढ़िया सा फिश टैंक है रूम जितना और यहाँ पर बैठ के आप लोग जो है मेडिटेशन वगैरह कर सकते हो, योगा कर सकते हो यहाँ पर, और उसके लिए चेयर भी उसी टाइप की यहाँ पर दी हुई है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। अंदर की तरफ में चलते हैं गाइस, तो यहाँ पर एक बहुत ही सही हमारे को स्पाइडरमैन का पोस्टर मिल जाता है, यहाँ पर एक बेडरूम मिल जाता है और ये ब्लॉसम ट्री आप लोग सामने की तरफ में देख पा रहे हो और यहां पर जो सीट है ना वो काफी ज्यादा बढ़िया चीज है, ठीक है। और चलते हैं दोस्तों अंदर की तरफ में, तो यहां पर हम लोगों को देखने को मिल जाता है एक और रूम, मतलब ऊपर दो तीन रूम है पर जो इतने बड़े रूम है उसमें दोस्तों काफी ज्यादा दिन बढ़िया आप लोग रह सकते हो, ठीक है। और यहां पर एक छोटी सी हम लोग को जो है बालकनी मिल जाती है। बालकनी के बाद के दोस्तों आप लोग देख पा रहे हो हम नीचे चलते हैं और नीचे का बैक साइड एरिया देखते हैं, उसको देखते हैं वो कैसा है, ठीक है। तो अभी जल्दी से तो गाइज यहाँ पे नीचे उतार जाते हैं और इसके बाद अभी थर्ड लग्जरी मेंशन दिखाना आप लोगों को बाकी है जो कि दोस्तों बिल्कुल माउंटेन के बीच में है, ठीक है। हालांकि ये भी माउंटेन में था पर दोस्तों तीसरा वाला और ज़्यादा खतरनाक होने वाला है, ठीक है। तो ये रहे गाइज हमारे वाइट पिटबुल, जैसा कि हम लोग आप लोग पता होगा वाइट पिटबुल ने भी दोस्तों जो है बेबीज दिए थे और ये भी दोस्तों धीरे धीरे जो है बड़े हो चुके हैं। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को प्राइवेट स्विमिंग पूल भी मिल जाता है और नीचे साइड में पार्टी करने के लिए एक लॉट भी मिल जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। तो ये था गाइज हमारा सेकंड मेंशन, अब मेरे ख्याल से चलना चाहिए थर्ड वाले मेंशन में। तो बाकी दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। तो अभी जल्दी से यहाँ पे दोस्तों माइकल जो है बाहर की तरफ में निकल रहा है। ये रहा गाइज गैराज, गैराज से हम डायरेक्ट दोस्तों जो है अंदर से भी डायरेक्ट गैराज में जा सकते हैं। निकलते हैं दोस्तों थर्ड मेंशन के लिए जो कि यहाँ से दोस्तों जो है सिर्फ और सिर्फ
थोड़ा ही दूर है। बात दोस्तों मेरे को ये अच्छी लगती है, जो हमारे तीनों लग्जरी मेंशन है वो दोस्तों बहुत पास पास हैं हमारे साथ में, ठीक है। तो अब जो इसमें से आप बताइए मेरे को कौन सा घर मेरे को जो है एक तरह से ड्राइवर को दे देना चाहिए। हालांकि हम लोगों ने दोस्तों अपने जो है सारे घरों में अपने पेट्स भी रखे हुए हैं ताकि दोस्तों कोई भी उनको जो है प्रॉब्लम ना जाए, ठीक है। अब आप लोगों को पता होगा चॉप की जो गर्लफ्रेंड है वो भी आ चुकी है, वो फ्रैंकलिन के घर पे ही रहते हैं साथ में। और जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो हम लोग अपने थर्ड लग्जरी मेंशन में पहुंच चुके हैं जो कि बिल्कुल ही बिल्कुल खुफिया है, ठीक है। अब ये रहा गाइस वो थर्ड लग्जरी मेंशन। अब आप लोग मन में ही सोचो या फिर दोस्तों देख के ही सोचो कि यहाँ पर एक मेंशन एग्जिस्ट करता है, दिख रहा है आप लोगों को? अगर मैं ड्रोन शॉट से दिखाऊँ आप लोगों को तो गाइज आप लोग यहाँ पे ड्रोन शॉट से देख पा रहे हो, यहाँ पर आप लोगों को लग रहा है कि कोई यहाँ पे एक मैंशन होगा, लेकिन इस पहाड़ के अंदर दोस्तों इस पूरे माउंटेन के अंदर जो आप लोगों का एक बीच में कट दिख रहा है उसी के अंदर गाइज जो है माइकल का थर्ड लग्जरी मैंशन खुफिया लग्जरी मैंशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों अंदर की तरफ में। यहाँ पर हम लोगों ने कोई भी पेट्स नहीं रखे हैं और जल्दी से गाइज मैं आप लोगों को अंदर एंट्री दिलाता हूँ, ठीक है। तो ये रहा गाइस यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी तरीके से बना हुआ है, यहाँ पर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड एरिया है, सोचो सिर्फ यहाँ पे माइकल आ सकता है। और सबसे पहले आप लोग देख पा रहे हो यहाँ का जो एंट्रेंस है वो कितना ज़्यादा बढ़िया है, मतलब आप लोग देख पा रहे हो पूरा जो है एक तरह से स्टोन से घिरा हुआ है ये, और काफ़ी ज़्यादा इसको यूनिक बनाता है। अंदर की तरफ में काफ़ी ज़्यादा खाली खाली सा रहता है एक तरह से, लेकिन गाइज ये है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया। अगर हम लोग अपने एनिमल्स को यहाँ पर रखें तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। और आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो काफ़ी ज़्यादा खाली है, मतलब अभी थोड़ा थोड़ा बहुत मैंने यहाँ पर अपना जो है सामान रखा हुआ है, जैसे कि वर्कआउट करने के लिए जिम का सामान यहाँ पर रखा हुआ है, और यहाँ पर दोस्तों जिम में भी कभी कभी आता रहता है। और यहाँ पर गाइज आप लोग देख पा रहे हो एक फाउंटेन टाइप छोटा सा बना हुआ है, और यहाँ पर कुछ हमारा द बिग स्कोर का गोल्ड भी है, ठीक है। द बिग स्कोर एक फाइनल मेंशन मतलब मिशन है दोस्तों GTA 5 का, अगर आप लोग GTA 5 खेलोगे ना तो एक बिग स्कोर का मिशन आएगा, तभी दोस्तों माइकल अपनी जो है लग्जरी लाइफ जी पाता है, ठीक है। अभी आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो कुछ ना कुछ करके कैसे ना कैसे करके यहाँ पे मैंने पार्टीशन बनाए हैं जिसके कारण हम लोग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया जो है चिल आउट कर सकते हैं। मतलब ये इतना कुछ खास नहीं है, लेकिन गाइज माउंटेन में ऐसा चीज़ बनाना और इस तरह की चीज़ होना ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात है, ठीक है। तो हमारे दोस्तों तीनों के तीनों लग्जरी मेंशन मैंने आज आप लोगों को होम टूर दे दिया है। ऐसी दोस्तों गोल्ड कार कलेक्शन का आप लोगों को देखना है तो ज़रूर से मुझे कमेंट कर बता देना आप लोग, अपने दोस्तों जितने भी कार कलेक्शन है वो सब मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। और बाकी दोस्तों माइकल ने आप लोगों को तीनों का तीनों जो है होम टूर आप लोगों को आज दे दिया है, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर से मुझे कमेंट करके बताना। आगे दोस्तों आप लोगों को किस किस पर टॉपिक पर वीडियोज़ चाहिए ज़रूर से मुझे कमेंट करके बता देना। और फाइनली जो जो मैंने आप लोगों से पूछा है प्लीज़ यार वो भी कमेंट करके बताना, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर टिक कर लो। मिलते हैं कुछ ऐसे नई इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ शार्प एट डेली 11 AM, तो जरूर से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर टिक कर दो। लव यू ऑल।